नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री विश्वास पे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है CGPAT का जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्द लगभग अगस्त में होने वाला है। तो दोस्तों, CGPAT में एक चैप्टर है जो कि फसल उत्पादन से, जिससे हमेशा से दो या दो से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका अध्याय का नाम है धान, जिसे पैडी कहा जाता है। इससे हर साल दोस्तों एकदम कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि हर साल इसमें से दो या तीन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये चलते हैं, आज हम धान का पूरा जो है, धान का जितना भी सब कुछ A to Z धान के बारे में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे हमारा दो या तीन नंबर जो है, हमारा वो पूरा दो या तीन नंबर हमें मिल सके। तो ये चलता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनते हैं CGPAT में, धान का वनस्पति नाम क्या है। तो दोस्तों, CGPAT में जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं धान का वनस्पति नाम क्या है, इस टाइप का आ सकता है। या वराइजा सटाइवा जो है, एक धान के कौन सी किस्म है, कौन सी किसका वैज्ञानिक नाम है वराइजा सटाइवा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है CGPAT में घुमावदार टाइप का क्वेश्चन आपको सामने देखने के लिए मिलेगा। तो ये चलते हैं आगे किस टाइप का है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा दोस्तों, धान का वनस्पति नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं धान का वनस्पति नाम है वराइजा सटाइवा। आगे चलते हैं, तो धान का कुल भी पूछा जाता है दोस्तों। तो धान का कुल कौन सा है, तो दोस्तों आप सभी को पता है धान का कुल, आप 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे, धान का जो कुल है वो ग्रेमिनी या पोयसी या घास कुल, इन तीनों में से जाना जाता है। धान का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो इंडो बर्मा जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में। धान में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो 6 से 7% धान में प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 70% पाया जाता है। वसा 2 या 2.5% पाया जाता है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन IMP क्वेश्चन यही से बनते हैं दोस्तों विशेषकर। तो दोस्तों आप सभी को अगर CGPAT का PDF चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस प्रकार का है, हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे अगर आप हमें WhatsApp में कॉन्टैक्ट करेंगे तो। आगे देखते हैं धान की प्रोटीन में ओरिजिन, धान की प्रोटीन को, धान में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे ओराजेनिन कहा जाता है। ओराजेनिन कहा जाता है धान के प्रोटीन को। धान में खुशबू डाई अस्टाइल ऑन प्रोपेन के कारण होती है। तो धान में एक खुशबू भी होती है जिसका यही कारण है, डाई अस्टाइल ऑन प्रोपेनिन, सॉरी दोस्तों इसमें प्रोपेनिन के कारण है। आगे चलते हैं, ओराइजा रफी पोगन जो चावल का पूर्वज माना जाता है इसे, ओराइजा रफी पोगन। आगे देखते हैं वितरण क्षेत्रफल में भारत का प्रथम एवं चीन का द्वितीय स्थान है। जो दोस्तों धान उत्पादन में हमारा भारत जो है प्रथम स्थान पे है और द्वितीय स्थान पे जो है चाइना है, जिसको हमारा पड़ोसी देश भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक मात्रा का धान का निर्यात करने वाला देश है जो कि भारत। आगे देखते हैं, उत्पादन में चीन प्रथम स्थान तथा